हेलो फ्रेंड, स्टडी आइकन में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले शिफ्ट के पेपर के टाइम बताया था कि मैं सेकंड शिफ्ट का पेपर आपके लिए जैसे एग्ज़ाम समाप्त होगा तो मैं कलेक्ट करूंगा, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे कलेक्ट कर लिए हैं। काफ़ी क्वेश्चन है, लगभग पूरे पूरे पेपर का तो नहीं हमें मिल पाया, लेकिन इतने मैक्सिमम क्वेश्चन है कि आप इससे काफ़ी अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमने मैथ्स के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और जी के करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए सेकंड शिफ्ट में। तो इससे पहले मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर मेरे चैनल में इस तरह से बहुत जल्दी अपडेट मिलता है, अगर आप चाहें तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो सारी वीडियोस और बेल आइकन होगा वहाँ पे, उसको भी दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास बहुत ही जल्दी पहुँच जाए। तो दोस्तों, देखिए जैसा कि ये हमारे सेकेंड शिफ्ट में आए हुए कुछ क्वेश्चन है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, आविष्कार से क्वेश्चन आया है, तो टेलीस्कोप का आविष्कार किया गैलीलियो ने। आप देखना है आपको कि टेलीस्कोप से जैसे क्वेश्चन आए तो बाकी आविष्कार आपको देखने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है उत्तल लेंस। तो आपको लेंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। और आई में अभी एक क्वेश्चन और आया है साथ में, मेरे को डायरेक्ट एक स्टूडेंट ने बताया कि इमेज रेटिना में इमेज कैसी बनती है। तो रेटिना में इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। रेटिना से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था, आई से रिलेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा दोस्तों, टाटा मोटर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है अक्षय कुमार, टाटा मोटर के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने एक ब्रांड एम्बेसडर की पूरी एक सीरीज़ बनाई हुई है, एक बुक, एक वीडियो बनाई हुई, उसको आप देख सकते हैं, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें ये वाला क्वेश्चन भी है, टाटा मोटर का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये क्वेश्चन भी उसमें दिया गया है। तो दोस्तों, आपको देखना उस वीडियो में, मैक्सिमम मैंने जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरी सभी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको 5 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनती मेरी, और उसमें ही आपको मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है 5 अप्रैल को, ठीक है। तो ये जो कुछ डेज हैं जो मनाए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं अभी आपका, जैसे कि कल के एक पेपर में आया था कि आपका एक क्वेश्चन इसी टाइप से डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पंजाब के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, पंजाब के। तो दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये है कप्तान सिंह सोलंकी। जैसा कि दोस्तों देखिए, गवर्नर और सीएम से, सीएम और गवर्नर से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल रट लेना पूरे गवर्नर सीएम, और आपको यूनियन टेरिटरी, अभी आपके देखिए यूनियन टेरिटरी से भी पूछ सकते क्वेश्चन, यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर और यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी आपको याद रखना है साथ में, क्योंकि अब क्वेश्चन की अगर वैरायटी बढ़ाई जाएगी तो आपसे यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको जैसा कि मैं बता दूं कि इसकी भी एक वीडियो है मेरी जिसमें गवर्नर और ये सब सभी राज्यपाल उसमें कवर किए गए हैं, तो वो आपको देखना है। तो दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की यहाँ पर राजधानी पूछी गई है क्या है? तो दोस्तों, एक वर्ल्ड की किसी न किसी कंट्री की राजधानी पूछी जा रही है, एक सुबह के शिफ्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि मैंने पहली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका कोला के सीईओ कौन है? तो दोस्तों, ये कोका कोला के सीईओ हैं, एक मिनट दोस्तों, कोका कोला के सीईओ हैं जेम्स क्विंसी, जेम्स क्विंसी इसके सीईओ हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, सीईओ पर भी मेरी एक वीडियो बनाई हो, और मैंने अभी लेटेस्ट जो 10 सीईओ जो कि बैंक के चेंज हुए हैं वो भी मैंने अपडेट एक वीडियो बनाई हुई, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको सभी सीईओ कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है फैराडेस के लॉ, आपने फैराडेस के लॉ पढ़े होंगे, फैराडेस राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल है ना, और स्क्रू रूल भी पढ़े होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है, लेफ्ट हैंड थंब रूल किसके लिए यूज़ होता है, राइट हैंड थंब रूल किसके लिए, और स्क्रू हम किस चीज़ के लिए, तो इसमें हम मोशन, करंट और फोर्स के बारे में इसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मोशन, फोर्स और करंट, तो मतलब कहाँ से फोर्स लगाने पर, करंट देने पर किसी वायर पर किस तरफ फोर्स लगेगा और वो कैसा मोशन करेगी, ठीक है, वो रोटर या मोटर जो भी रहेगी वो है ना, साफ्ट रहेगी या रोटर, उसको अपन कह सकते हैं कुछ भी, अगर समझ लो एक इसका एक मोटर की एक शाफ्ट है, ठीक है, इसको हम है ना शाफ्ट, तो इस पर जो इसके आर्मेचर जो इस पर करंट, देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है इसका वर्किंग। तो ये एक मोटर हो गई, इसमें एक वायरिंग, वायर से लिपटे रहते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन आर्मेचर। तो जब आप इस पर करंट देंगे तो इस पर करंट देने के बाद इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स,
जिसके कारण इसमें एक फोर्स लगेगा, ठीक है, वो लगेगा EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण एक किसी किसी डायरेक्शन में ये मूव करने की कोशिश करेगा और मूव करेगा, तो ये मोशन इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब हमने क्या दिया, करंट और मोशन किस जगह हुई, है ना, और फोर्स किस तरह से लगा इसमें, ठीक है, तो ये रोटेट करना शुरू होगी। तो ये तीनों चीज़ की फाइंड आउट करने के लिए ये फैराडेज के लॉ होते हैं। तो इसको मैं आपको साइंस के लेक्चर में इसके पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा, साइंस के लेक्चर भी हैं बहुत सारे, तो आपको वो भी देखने हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी ईजिली आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास क्या वीडियो बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। दोस्तों आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके फ़ायदे की है तो आप इसको शेयर जरूर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अफगानी जैसा लिखा हुआ वैसे अफगानिस्तान की मुद्रा है, तो यहाँ पे मुद्राएं भी पूछी जा रही हैं, तो मतलब वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा पढ़ने का लेवल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिनका भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है उनको इसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि RPF का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे, ठीक है। और स्टेज टू के जो एग्ज़ाम होने वाले ALP टेक्नीशियन स्टेज टू, उसके लिए भी आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है। देखिए जैसे मॉर्निंग की शिफ्ट में कैबिनेट से आया, कैबिनेट मिनिस्टर का एक क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे वाणिज्य और उद्योग मंत्री इस यहाँ पे आए, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है। तो ये होता है लैक्टोबेसिलस से हमें इसमें मदद मिलती है, दही जो जमती है, ठीक है, तो ये लैक्टोबेसिलस से बनती है। सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सी है, तो अजंता की गुफाएँ, अजंता और एलोरा की गुफाएँ सबसे प्राचीनतम गुफाएँ हैं, ये आपको याद रखना है, ये सभी महाराष्ट्र में आपको मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए यहाँ पे मुख्यालय पूछा गया है, तो ये स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जो कि है ना जिनेवा में है, जो कि ये स्विट्ज़रलैंड में है। तो आपको बाकी सब चीज़ें याद रखना कि UNO, UNESCO, बाकी जो भी चीज़ें हैं सबके आपके कहाँ पे मुख्यालय है वो सभी आपको याद रखने, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, तो ऐसे नीति आयोग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, और उसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, राजीव कुमार है, जैसे कि ऐसे इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं। तो जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं उससे जो लिंक बन रहे हैं बाकी क्वेश्चन वो आपको देखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कण किस में बनता है। लाल रक्त कण किस में बनता है, अस्थित मज्जा में बनता है, ठीक है, बोन एरो में बनता है, ठीक है, अस्थित मज्जा, और ये ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2018 में पद्म विभूषण के लिए कितने व्यक्तियों का चयन किया गया। ये किया गया 3 व्यक्तियों का किया गया। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ, तो देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, तो हल्दीघाटी का युद्ध 1570 है आपके सेकंड शिफ्ट में। तो चलिए हम देखते हैं मैं इसके कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हमारा, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों मैं अभी सेंटर के बाहर ही खड़ा हूँ, आपको वॉइस जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं सुनाई दे रही होगी, काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, तो दोस्तों आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए मैथ्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास मैथ्स के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चलिए पहला क्वेश्चन, किसी भिन्न को अंश में 21% की वृद्धि तथा हर में 12% की कमी हो जाए तो 11/11 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूल भिन्न इसमें पूछा गया, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, तो इसमें पूछा गया ये, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ दोस्तों, तो आप वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बैंक में कुछ राशि जमा की जो 10 वर्ष में दोगुनी हो गई तो साधारण ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का देखिए, साधारण ब्याज की दर, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं जिसमें कितने गुना बढ़ रही है, इतने गुना बढ़ रही है तो कितने वर्ष में बढ़ रही है, इस तरह से दो वैल्यू निकालनी होती है, कभी वर्ष निकालने को बोल दिया जाता है तो कभी गुना कितने गुना बढ़ रही है वो निकालने को दिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने शॉर्ट ट्रिक में आपको बताए हुए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, पाइप ए 10 घंटे में भर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक में बहुत ही कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये तीसरा वाला क्वेश्चन, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये एक है 10 घंटे में, एक जो है 10 घंटे में भर सकता है और एक 15 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है, तो ये दोनों का जो है हम क्या करते हैं LCM निकाल लेते हैं, तो इनका LCM समझ लो 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये 3 घंटे में भरेगा और ये
2 घंटे में खाली करेगा। तो दोनों जो है दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, और उनको काम कितना करना पड़ रहा है, 30 काम करना है, ठीक है। तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 6 = 30, तो ये 6 घंटे में भर जाएगी, ठीक है। 6 घंटे में ये कितनी देर में भरेगी, 6 घंटे में भरेगी। इस तरह से बहुत शॉर्ट ट्रिक में बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इस तरह से आपका 2 सेकंड 3 सेकंड मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो पूरे बनाई हुई है मैथ्स के सभी क्वेश्चनों के लिए और आपके रीजनिंग के क्वेश्चनों के लिए भी, तो वहाँ से आप इसको ज़रूर देख लें क्योंकि ये बहुत सिंपल हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का हम देखते हैं। मैथ्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 48 तथा उनका अंतर 8 है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है सभी चीज़ों के लिए, शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन है, ओके। तो दोस्तों आप वहाँ से देखें। तो दोस्तों मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप इसको चाहें तो शेयर कर सकते हैं। दोस्तों यही था हमारे, और अभी जैसे कि दोस्तों अभी 3rd shift का पेपर छूटने वाला रहेगा, तो उससे जैसे ही 3rd shift का पेपर छूटता है तो मैं आपको वहाँ से भी सारे क्वेश्चन अवेलेबल कराऊँगा। अभी मैं सेंटर के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों।